वेलकम दोस्तों, सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों सबसे पहले मैं सभी मेरे जो यूट्यूब चैनल्स देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों दोस्तों बात करते हैं FIR की नकल कैसे प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके खिलाफ या आप परिवादी हो अगर FIR दर्ज करवाते हो तो उसकी नकल किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ये प्रोसेस आप इस वीडियो से जान सकते हैं। दोस्तों दोस्तों मैं लीगल जानकारी आपको इस वीडियो में जान दूंगा, लेकिन दोस्तों मैं सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों अगर आप परिवादी है और आपने किसी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है तो दोस्तों FIR की नकल किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हो, आप ये जानोगे कि अपने जो आपने जो एप्लीकेशन दी है उसी हिसाब से वो FIR दर्ज की है कि नहीं की है। लेकिन दोस्तों वो किस प्रकार से प्राप्त होगी, दोस्तों आपने मान लो किसी थाने में एक FIR दर्ज करने के लिए आप परिवादी के तौर पे आपने किसी थाने में दिए, उसने दर्ज करने के बाद दोस्तों FIR की कॉपी अगर कोई परिवादी है किसी ने किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई है तो उसे निःशुल्क FIR की कॉपी मिलेगी। लेकिन दोस्तों परिवादी को तो FIR की कॉपी निःशुल्क मिल जाएगी, लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उस व्यक्ति को किस प्रकार से FIR की कॉपी मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो से ये जानोगे कि किस प्रकार से आपको अगर किसी के खिलाफ गंभीर प्रकृति का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उससे बेल लगाने के लिए FIR की कॉपी कहां से प्राप्त होगी। दोस्तों जिस थाना जो संबंधित कोर्ट है जो थाना उस कोर्ट में पड़ता है संबंधित कोर्ट में आपको या तो FIR नंबर याद होना चाहिए या सन होना चाहिए, किसी भी वकील से जाके आप संपर्क कर सकते हैं। वकील से संपर्क करने के बाद दो प्रकार की नकल प्राप्त करने की एप्लीकेशन लगती है, एक तो अर्जेंट एक सामान्य तौर पर। अगर आपको जरूरत है कि आपका व्यक्ति अंदर है तो उस FIR की कॉपी में आप अर्जेंट लिख के आवश्यक लिख के प्राप्त कर सकते हैं जो संबंधित कोर्ट है, लेकिन आपको उस सारी चीजें देनी होगी, पता नहीं होगी भाई इस डेट को FIR दर्ज हुई थी किन किन के खिलाफ दर्ज हुई थी, सारी जानकारी होने के बाद आप किसी भी वकील को बताइए, वकील उसे ढूंढेगा संबंधित कोर्ट में और एप्लीकेशन नकल प्राप्त करने का एप्लीकेशन लेके जो FIR दर्ज हुई वो नकल प्राप्त सर्टिफाइड लेगा। उसके बाद जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ वो व्यक्ति इस प्रकार से नकल प्राप्त कर सकता है और जो परिवादी है वो ऑलरेडी थाने से प्राप्त कर सकता है। दोस्तों इसलिए दोस्तों मैं इस जो वीडियो बनाता हूँ उसमें लीगल जानकारी देता हूँ, ओरिजिनल जानकारी देता हूँ और आपको सुविधा के अनुसार हर चीज मैं इस वीडियो में बताता हूँ, हर चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो वो व्यक्ति बेचारा इधर उधर फिरता है कि मैं नकल कैसे प्राप्त करूं, मेरे खिलाफ कौन सी धारा लगी है, क्या है सारी चीजें। तो दोस्तों आप घबराने की जरूरत नहीं, किसी भी संबंधित जो वकील है वहां का उस कोर्ट में जाके संपर्क करिए और बताइए कि मेरे इस व्यक्ति के खिलाफ इस व्यक्तियों ने मुकदमा दर्ज कराया था, इस तारीख को कराया था, तो वो संबंधित जो वकील है उस संबंधित कोर्ट में जाएगा, उस मुकदमा नंबर देखेगा कि कौन व्यक्ति के खिलाफ क्या धारा है और वो जाके उस के खिलाफ देख के फिर वो नकल लगाएगा। अर्जेंट नकल अगर आपको तुरंत जमानत के लिए चाहिए, बेल के लिए चाहिए तो अर्जेंट नकल लगाएगा, या आपको जानकारी के लिए चाहिए तो वो सामान्य तौर पर भी नकल लगा। अर्जेंट में डबल पीस लगती है और सामान्य में जो गवर्नमेंट ने जो तय कर रखी है वो पीस लगती है। इसलिए दोस्तों अगर आपको किसी भी मुकदमे में नकल प्राप्त करनी हो तो इस प्रकार से आप नकल प्राप्त कर सकते हैं, ये सामान्य जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।